नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरें बढ़ते हैं। सीएम भजन लाल शर्मा ने जन्माष्टमी के मौके पर डिंग पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के नागरिकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। सीएम भजन लाल शर्मा के साथ उनकी पत्नी गीता शर्मा भी मौजूद रही। बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा ने जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। इस पथ को राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर बनाएगी। इस पथ को श्री कृष्ण के जन्म स्थान से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थानों को जोड़ते हुए एक धार्मिक सर्किट के रूप में बनाया जाएगा। ब्रजभूमि से और गिरिराज जी से प्रदेश के सभी भाई बहनों को, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया है, ये मुरली मनोहर सुदर्शन चक्रधारी ने एक संदेश भी दिया है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने, शोषण एवं अन्याय का प्रतिकार करने तथा जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के महान आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करने तथा गरीब व उपेक्षित की मदद करने का संकल्प ले। और कल कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। भगवान बंसी वाले आप सभी पर मेहरबानी बनाए हैं, और जिस तरह से जोधपुर में और राजस्थान में बारिश हो रही है, हमारा राजस्थान खुशहाल रहे, हरियाला राजस्थान रहे, किसान हमारा समृद्ध रहे। कृष्ण जन्माष्टमी की आपके माध्यम से राजस्थान के सभी जन को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं ई सेवा त्वरित ऐप लॉन्च करने वाला राजस्थान हाईकोर्ट देश का पहला कोर्ट बन गया है। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट का प्लैटिनियम जुबली समापन समारोह में पीएम मोदी ने ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप लॉन्च किया है। विधि एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान को भी 75 साल हो गए, राजस्थान हाईकोर्ट के भी 75 साल पूरे होने पर बधाई। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। राजस्थान हाईकोर्ट को बधाई की देश में सबसे पहले 1950 में हिंदी में काम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम नए भारत के हिसाब से नए इनोवेशन करें, आपकी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाए, यह जस्टिस फॉर ऑल उसके लिए भी उतना ही जरूरी है। हम देख रहे हैं कि आज टेक्नोलॉजी हमारे जुडिशरी सिस्टम में भी कितना अहम रोल निभा रहा है। आईटी रिवॉल्यूशन से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारा ई कोर्ट प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा सचिन पायलट को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस पूरी तरह से भड़क गई है। विवादित बयान से आक्रोशित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन का पुतला फूंकते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। सचिन पायलट के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के विरोध में आसिंद बस स्टैंड पर युवा कांग्रेस आसिंद हुड्डा द्वारा पुतला दहन किया गया है और बीजेपी प्रभारी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी राधे मोहन अग्रवाल ने सचिन पायलट के गढ़ टोंक में दौरा किया और कहा कि टोंक कभी पायलट का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार के जाने के साथ ही उनका गढ़ भी ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत पहले यहाँ थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब सचिन पायलट भी जा चुके हैं। होश में आओ।
वहीं राजस्थान में जन्माष्टमी के पर्व पर प्रदेश भर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए। राजस्थान पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिरों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मंदिरों में सीसीटीवी से बदमाशों पर नजर रखी जाएगी। विशेष तकनीकी युक्त सॉफ्टवेयर से जयपुर के 3 बड़े मंदिरों को जोड़ा गया है, जिनमें गोविंद देव जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और अक्षय पात्र मंदिर भी शामिल है। कैमरों के साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी किया गया है। वनवासियों के मंदिर में कदम रखते ही सॉफ्टवेयर अलर्ट भेजेगा। अपराधी के आने का अलर्ट आते ही कंट्रोल रूम की ओर से पुलिस की टीम सूचना स्थल पर पहुंच जाएगी। वही राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से अति संवेदनशील शहर भिलवाड़ा में दूसरे दिन सोमवार को भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ रहा। रविवार को एक मंदिर के बाहर पशु की कटी पूंछ मिलने से शहर का माहौल गर्मा गया था। तनाव के हालात पैदा हुए तो पुलिस ने स्थिति संभाल ली है। इस दौरान जब दुकानों और पुलिस पर पथराव हुआ तो लाठीचार्ज की नौबत तक आ गई। पुलिस को बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 2 बार लाठीचार्ज करना पड़ा है। शाम को माहौल शांत हुआ, लेकिन तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात रखा गया। सांसद दामोदर अग्रवाल और संघ के कुछ कार्यकर्ता एसपी ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पूरे मामले को लेकर सभी ने खासी नाराजगी भी जताई है। लोगों की मांग थी कि जब तक अपराधियों के मकान नहीं टूटेंगे हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ने अभी 8 आरोपियों को डिटेन कर लिया है और लगातार इस तरीके से प्रदर्शन भिलवाड़ा में किया जा रहा है। सुबह 11-12 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक गाय की पूंछ काट के एक धार्मिक स्थान के ऊपर कर दी गई, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग थे, उनका विरोध प्रदर्शन था। उस संबंध में जनप्रतिनिधियों से एवं जो संत महात्मा भी कुछ आए थे तो उनसे भी बातचीत हुई और समझाइश के बाद वो इस बात पर मान गए कि जो भी इसके पीछे जिन्होंने इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया उन व्यक्तियों को शीघ्र पकड़ लिया जाए। उसके ऊपर बात हुई और समझाइश के बाद धरना समाप्त हो गया तो और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। साथ ही जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे प्रॉपर पिकेट्स और पुलिस बल भी डिप्लॉय है ताकि किसी प्रकार की भी कोई न्यूसेंस कोई एंटी सोशल एलिमेंट न कर सके। और सभी लोगों से यही आग्रह है कि पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल करें और जल्द से जल्द जिन लोगों ने इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया उनको पकड़ लिया जाए। वहीं अलवर के नूरनगर में हुए आपसी झगड़े के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और युवक पर चाकू से हमला किया गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। अलवर का ये पूरा मामला है। आरोपी युवक मौके से फरार बताया जा रहा है। युवक पर चाकू से हमला किया गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या गर्दन कट गई पूरी? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? अच्छा, किस व्यक्ति ने मारी है? कुमार का है। क्या नाम है उसका? कौन सी जगह घट रहा है ये? खैरतल में। उसके बाद कहाँ लेकर आए आप? अच्छा, तो कहीं जा रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, वहाँ पे चक्की है, आटा पीसा था, चक्की वहाँ पे रहता आटा। अच्छा, तो किस चीज़ से मारी है उसने? कहाँ का मारी है? पूरी गर्दन काट दी। आपके क्या लगते हैं? आपका बेटा लगता है। क्या नाम है इसका? वहीं झालावाड़ में पुल टूटने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल को पार करते समय 2 बाइक और 1 गाय पुल के नीचे गिर गए। लोगों का कहना है कि पुल को टूटे हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है, लेकिन किसी ने भी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं प्रशासन लोगों को पुल से दूर रहने की नसीहत दे रहा है। क्या नाम है आपका? क्या समस्या आ रही है? ये यहाँ पे पुलिया की बहुत समस्या है। ये पुलिया में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, कुछ भी हादसा होने की संभावना है।
यहाँ पे पिलर वगैरह सब टूटे हुए, पूरी सब्जी का पूरी खराब हो चुकी है, पुलिया कोई मरम्मत नहीं हो रही है। कब से है ये? अगले साल तो हो गए। पहले भी हादसे हुए यहाँ पर? पहले मोटरसाइकिल गिर गई दो बार। अच्छा, हादसे हो गए यहाँ पे। वही खबर दौसा से है, जहां 21 दिन पहले लापता हुए 12 साल के बच्चे के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लापता बच्चे की मां ने 5 अगस्त को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। रविवार को निक्की के एक दोस्त ने खुलासा करते हुए बताया कि 4 अगस्त को निक्की और उसके दो साथी नामोलाव बांध पर नहाने गए थे, जहाँ निक्की डूब गई थी। इस जानकारी के बाद पुलिस और SDRF टीम ने नामोलाव बांध में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन के दौरान SDRF टीम को हड्डी के अवशेष मिले हैं, जिसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के हरसौली थाना क्षेत्र कुमपुर गांव के मोड़ पर तेज रफ्तार से आ रही पिकअप पलट गई है, जिसमें करीब 50 महिलाएं सवार थी। पिकअप 3 बार पलटी, जिससे पिकअप में सवार सभी महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। दरअसल पिकअप चालक गाड़ी लापरवाही से चला रहा था, पिकअप में तेज गाने बजा रहे थे। कुमपुर गांव के पास एक घुमाव से आगे ऊंचे नीचे रास्ते पर पिकअप का संतुलन खराब हो गया और वह पलट गई। पिकअप 3 बार पलटी, जिससे महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। प्याज लगाने जा रहे थे और रास्ते में ब्रेक फेल हो गया था, हरसौली से आगे। हाँ, कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का ये पिकअप थी। अच्छा, कितने लोग थे? हाँ, 50-55 आदमी। कहाँ जा रहे थे ये? ये इधर को हरसौली से आगे जा रहे थे प्याज लगाने। हाँ, प्याज लगाने मजदूर कर ले। हाँ जी, एक ही परिवार के महिला है? गाँव के पूरे एक गाँव के है, परिवार भी एक ही है। हाँ, एक ही जाती है। तो आपकी हाँ जी, मैं भी हूँ। पिकअप पलटी है, सब शीशा फोड़ गई, ड्राइवर भी निकाला, सब निकले हमारे वहाँ से। सब नीचे दब गए क्या? सब दबा भी है, वो सब गिर पे लग भी गए सबके। रोड पे भी गिरे, सड़क गड्ढा में भी गिरे। हाँ, ये तो हमने फोन करा जब होश में थे, जिसने होश करके जब फोन करा है। आपके कौन कौन है पेशेंट? मेरे दो लड़की है, मेरी एक मेरी बहन की लड़की, एक मेरी दो रानी है, 4-6-7 जाने घर के हैं। आदमी नहीं था कोई गाड़ी में? नहीं, आदमी नहीं था। औरत थी? औरत सारी। हाँ जी, ड्राइवर था? हाँ। उसके भी लगी है? ड्राइवर का नहीं लगी। वो खाए भग गया? भग गया नहीं, मैं अस्पताल में छोड़ गया हरसौली वाली में। आपका क्या नाम है? केला देवी। वही रायसिंह नगर में पशुपालन विभाग द्वारा मुंह पका खुर पका रोग से नियंत्रण के लिए टीकाकरण अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की गई है। नगर पालिका कार्यवाहक अध्यक्ष रही बलविंदर कौर की मौजूदगी में कल्याण भूमि गौशाला से टीकाकरण की शुरुआत की गई। इस दौरान गौ रक्षक दल के सेवक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश गुंबर ने बताया कि पशुओं की टैगिंग कर टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण और टैगिंग का यह अभियान 2 महीने तक चलाया गया है, जिसके तहत घर घर जाकर टीकाकरण किया गया। आज FMDCP राउंड 4 का फिजिकल उद्घाटन चेयरमैन नगर पालिका द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम कल्याण भूमि गौशाला से स्टार्ट किया गया है। नोडल रईस नगर में टोटल इसके लिए 8 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें से 8 डॉक्टर, 2 पशु चिकित्सा सहायक, 16 पशुधन सहायक और 5 पशु मित्रों की ड्यूटी लगाई गई है। ये कार्यक्रम लगभग 2 महीने तक चलेगा और हर घर जाकर इसका टीकाकरण किया जाएगा। सभी पशुपालकों से आग्रह है, क्योंकि ये सरकार का नियम है कि जिन पशुओं का टैग लगा होगा उन्हीं का टीकाकरण किया जाना है, तो इसलिए सभी सहयोग करें। जिन पशुओं का टैग नहीं लगाया गया है उनकी टैगिंग लगाएं और टीकाकरण जरूर करें। वहीं मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 1 से 2 दिनों में डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं बाड़मेर, जालौर और प्रतापगढ़ जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। अगर बारिश अधिक होती है तो धौलपुर जिले में हालात बेकाबू हो सकते हैं। जिले का पर्वती बांध, उर्मिला सागर बांध, राम सागर बांध,
तालाब शाही बांध आदि भर चुके हैं। इसके अलावा तालाब पोखर एवं जलाशय पानी से लबालब है। पर्वतीय बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की अधिक आवक होने की वजह से नदी में छोड़ा गया पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सुखवारा और मालोनी खुर्द घाट पर पार्वती नदी उफान पर है, जिसके कारण जिला मुख्यालय से करीब 40 गांव का संपर्क कट गया है। बारिश की तबाही ने खरीफ फसल को जिले में भारी नुकसान पहुंचाया। बसेरी सेपऊ एवं धौलपुर उपखंड का इलाका डूब गया है और खेतों में पानी भरने से बाजरा दलहन तिलहन ग्वार ज्वार मक्का आदि फसलें सड़ने के कगार पर पहुंच गई है। वही खबर उदयपुर से है, जहां उदयपुर में राशन डीलर द्वारा की जा रही राशन की चोरी का मामला सामने आया। उदयपुर के बड़ी गांव में एक राशन डीलर द्वारा की जा रही चोरी का खुलासा हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राशन डीलर पिछले 3 सालों से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। राशन डीलर 1 क्विंटल गेहूं पर 10 किलो गेहूं काटे में गड़बड़ी कर कम देता है, जिसका गांव के बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष ने खुलासा किया है। जब मौके पर मौजूद रहकर गेहूं को तोला गया, जिस पर गेहूं कम पाया गया है, जिस पर विधायक ने जिला कलेक्टर को अवगत कराया और राशन डीलर पर उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। जो यहाँ से उचित मूल्य दुकान से गेहूं ले जा रहे थे हमारे बड़ी के, उनसे गेहूं इन्होंने 25 किलो बोलकर 23 किलो दिए, इन्होंने तोल के दिए, जो काटे में इनके 2-2 किलो का फर्क आ रहा था। ऐसे हमने 5 दिनों के गेहूं तुलवाए तो सबके 2-2 किलो का फर्क आ रहा है। ये विगत कितने दिनों से इन सबकी मिली भगत से ये काम हो रहा है, तो इसके लिए आज प्रशासन से निवेदन है कि उचित इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। इनकी जितनी भी दुकानें हैं इनकी उस पे सब पे कार्रवाई की जाए। वही अलवर के किशनगढ़ बांस क्षेत्र के ग्राम नूर नगर में एक युवक की कुछ लोगों ने गला रेत कर हत्या की कोशिश की है। आपसी झगड़े में एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। घायल युवक को परिजनों ने CHC में भर्ती कराया है, जहां से डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया है। युवक की हालात गंभीर बनी हुई है, वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं करौली में पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। गांव को जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी जल भराव की समस्या है। भारी बारिश की वजह से टोड़ा भीम में बना सबसे बड़ा बांध भर चुका है, जिसकी जल भराव से क्षमता 12 फीट है। वहीं अब 20 साल में पहली बार बांध पूरी तरह से जल भराव हो गया है, जिसमें पानी निकासी 15 दिनों से लगातार चल रही है, लेकिन अभी भी हालात बेकाबू है। इसी के साथ राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।